अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम सुबह फजर टाइम के उठे हुए हैं, जॉगिंग शॉगिंग की है और अब हम ना अपने गांव जा रहे हैं। गांव हमारा पास ही है, हम एक साथ कस्बा उधर रहते हैं तो गांव पास ही है, हम उधर जा रहे हैं। इस टाइम हमारे ना पनीरी की फसल जो है ना वो बुई जा रही है, चावल की फसल। तो आज ड्रिल होनी है, आपको वो दिखाएंगे ड्रिल कैसे होती है, कैसे सोल करते हैं फसल को, चावल की फसल को कैसे बोते हैं। ठीक है, तो ये मेरे साथ दो बच्चे हैं, छोटे भाई हैं मेरे, ठीक है, जो थोड़े से शर्मीले हैं। ठीक है, इस टाइम हम जो है ना जा रहे हैं रनिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए, सैर करते हुए। थोड़ा सा पास ही गाँव है, 2-3 किलोमीटर, तो साथ रहिएगा। तो ये ड्रिल है जिससे हम ना चावल की फसल बोएंगे, और ये बीज जो है ना अब इसके लिए निकाल रहे हैं। कुछ बीज निकाल के इसकी छोटी छोटी बकेट्स में डालेंगे, आपको सारी आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे, बताऊंगा अच्छी तरह से कि कैसे बीज बोया जाता है, कैसे इसमें डाला जाता है, सब अच्छी तरह से दिखा भी रहे हैं और बताएंगे भी इंशाल्लाह। इधर जो है ना मैंने देखा था कि बीज थोड़ा डैमेज था, तो मैंने चाचू लोगों को बताया कि बीज थोड़ा डैमेज है, बीज इतना जान वाला नहीं है, कमज़ोर बीज है, तो इसको ज़रा चेक करें। तो उन्होंने बोला कि जो है ना पंखा लेके आए, उसके साथ बीज लगाते हैं, जो कमज़ोर बीज हुआ वो अलग हो जाएगा और जो अच्छा हुआ वो अलग हो जाएगा। तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे अलग करते हैं बीज को, कैसे पंखे के साथ लगा के जो है ना साफ किया जाता बीज को। ये नालियां हैं जिनसे बीज निकल के जमीन में जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी हो बीज वाली, तो उसको जो है ना ऐसे किया जाता है कि कोई बारी चीज़ हो, जैसे गंदम हो, गंदम जैसी होगी चीज़, दाल जैसी होगी चीज़, तो उसको अलग किया जाता है पानी में भिगो के, या पंखे के साथ लगा के उसमें कुछ कमज़ोर बीज हो वो अलग हो जाते हैं, और ऐसे चावल के साथ, चावल के बीज के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं हम कि वो अलग हो जाएँ, कमज़ोर बीज अलग वो अलग हो जाएँ। ये जालियों की सफाई की जा रही थी कि बीज जो है ना अच्छे से निकल जाए। जालियाँ हैं ये छोटी छोटी सी, ठीक है, इनके आगे ब्रश भी लगाए होते हैं कि साफ रहें ये। तो बीज जो है ना वो अलग हो गया था, वो वज़न करके ज़मीन के मुताबिक वज़न करना होता है कि कितनी ज़मीन है और इस ज़मीन में कितना बीज जो है ना डालना है, कितने बीज की ड्रिल करनी है। तो इस
जो हम वजन कर रहे थे वो 10 किलो होना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा कम नहीं, क्योंकि बीज ज्यादा हो जाएगा तो फसल सही से नहीं होगी, कम होगा तो फिर भी सही से नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा बीज ज्यादा था तो अब निकालने लगे हैं इसको, थोड़ा सा बाद में वजन करके पूरा करेंगे 10 किलो इसको। अब जो है ना इन छोटे छोटे बकेट्स में डाला जाएगा बीज, ठीक है, डिवाइड किया जाएगा थोड़ा 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 सा जो है ना इनमें डाला जाएगा, और बाद में इसको जमीन में जाके ये हल टाइप भी चलानी होती है, जैसे हल चलती है ना वैसे। अब इसमें बीज डाल लिया, एक बार इसको ना जरा चला के देखेंगे कि कोई नाली बंद तो नहीं है, जो नाली बंद होगी उसे खोलेंगे, ये छोटे छोटे से पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, इन पाइप को चेक किया जाएगा कोई बंद तो नहीं है, नहीं तो जो पाइप बंद होगा उसके साथ जो है ना वो बीज नहीं निकलेगा फिर, और जो इसके साथ अब इस चतर पे कर लिया, वो टायर घुमाएंगे तो बीज नीचे गिरेगा, तो चेक करेंगे किस किस से बीज निकला है किस किस से नहीं। इधर जो है ना एक नाली नजर आई थी कि जो बंद है, ठीक है, उसको खोले खोला जा रहा है कि उससे बीज जो है ना सही से निकले और फसल अच्छे से हो, फसल में बोया जाएगा अच्छे से बीज तो फसल होएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मैं घुमा रहा हूँ, चेक कर रहे हैं कि वो बीज निकल रहा है कि नहीं। मशीन से कुछ ना चावल टाइप निकल रहे थे, मतलब कि टूट रहा था बीज, बाद में चाचू ने बताया कि ये जो बीज है ना इस वजह मशीन की वजह से टूट नहीं रहा, ये रात की जो बारिश हुई है वो बीज जो है ना भीगा हुआ नरम हो गया बीज, उसकी वजह से वो थोड़ा सा टूट रहा है नालियों में आते हुए, नालियों में छोटी सी गराड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से टूट रहा है वो। तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, ये खुद ही थोड़ी देर तक ना उधर जाएंगे, ये पहले वैसे एज ए प्रैक्टिस चलाएंगे, तो जो बीज के बिल्कुल सब ठीक है, अब ट्रैक्टर जा रहा है। दो तीन चार बड़ी दवा तू तोल लेना, नहीं नहीं चलो फिर बने मार।
एक चक्कर लगा के आते हैं ना, एक उधर का लगाते हैं, एक इधर का लगाते हैं, बाद में ये सारा करेंगे। कला पानी आ रहा है, दो दिन हो गए तो बात का ही पानी पानी ना आप पी नहीं होगा क्या कर रहे हैं पहली हूं जी सिल्ली है मैं मेरा सर को बचे हो गए इतने आ गए चाचू की स्पीड वाज जाती है चाचू दूर कितने चल रहे हो? वालेकुम सलाम। मैं चौबी चल रहे हो। खैर नहीं और पता आहो आगु समान समान दुकान दुकान पाली दी सही और सब खैरियत है रोज आज पाई सही हो की हुंदा पे मैं ड्रिल बंदा हां मैं ना हां समझ नहीं है कि सुके पैर के चार मारी होते ड्रिल हो रही सही है तो ये पता नहीं पिछली यार ठीक सी हां एवरेज सही निकली हां ਆਲਾ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿੱਲੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹੀਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਖਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 10 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੀਕ ਬਹੁਤ ਮਰ ਲਿਆ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਕ